मैंने दोनों का नंबर मिलाया, फोन पर रिसीव ही नहीं हुआ। शायद वो ऑफिस में बिजी होंगे, मैं फिर कर लूंगा। मैंने कहा ना, वो कहीं बिजी होंगे, वरना वो अपने पापा का फोन रिसीव ना करते। तुम दुखी मत हो, मैं एक बार फिर फोन ट्राई करता हूं। मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। मुझे पता है पापा जी, मैं आपका नंबर भी पहचानता हूँ और आपकी आवाज भी। शुक्र है बेटा, तुमने मेरी आवाज तो पहचानी। बस आप बिना पापा जी, बताइए फोन कैसे किया। बेटा, तुम्हारी मम्मी जानना चाहती है कि तुम लोग वापस घर कब आओगे। लेकिन पापा जी, अब हम घर वापस क्यों आएंगे? हमारे लिए बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारी मम्मी पैरालाइज हो गई है। हाँ, आपने बताया था। वो तुमसे बात भी नहीं कर सकती, इस आरोसी अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाना चाहती है। पापा जी, आप भी कमाल करते हैं, यहाँ अमेरिका में हम दोनों की जॉब है, 1-1 करोड़ का पैकेज है, वहाँ इंडिया में क्या मिलेगा, जॉब भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। बेटा, अब बुढ़ापे में हमें तुम दोनों की जरूरत है, तुम दोनों वापस आ जाओ बेटा। यहाँ भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ये सब तुम दोनों का ही है, वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। हम दोनों चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहे। साथ रहने के लिए आप दोनों को अमेरिका बुलाया तो था, लेकिन यहाँ आपका दिल ही नहीं लगा, आप ही मम्मी को लेके वापस इंडिया चले गए। हाँ बेटा, अपना देश तो अपना ही होता है, तुम दोनों भी आ जाओ बेटा, अब हमारी जिंदगी बची ही कितनी है। ठीक कहा पापा, अब आपकी जिंदगी बची ही कितनी है, लेकिन हमारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आप हमारा पास्ट है और ये अमेरिका की जॉब हमारा फ्यूचर। सॉरी पापा, हम पास्ट के लिए अपना फ्यूचर दांव पे नहीं लगा सकते। ठीक है पापा, फिर बात करता हूँ, अभी कुछ काम है। सॉरी पापा,
हेलो हेलो, अरे बोलो कोई। शर्मा जी हमने शिक्षा दी बच्चों को चांद सितारे छूने की, काश की शिक्षा दी होती उनको चरण छू लेने की।